नमस्कार, द गजब हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई देश की रक्षा में शहीद तो बहन को विदा करने पहुंच गए सीआरपीएफ के जवान। ऐसे जवानों को, ऐसे वीरों को हम सच्चे दिल से सैल्यूट करते हैं। देखिए पूरी खबर हम आपको देने जा रहे हैं, जो एक बहन के लिए बहुत ही भाई का होना बहुत ज़रूरी रहता है। देश की रक्षा में तैनात भाई बहन को विदा करने की हसरत पूरी नहीं कर सका। उसकी इस अधूरी इच्छा को पूरी करने के साथी जवान पूरे जोश खरोश से शादी समारोह में शामिल हुए। सभी ने भाई की तरह विवाह की सारे रस्में निभाई। देखिए जो भाई था वो सेना में था और वो शहीद हो चुका था, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए सेना के जवान वहां पर पहुंच गए थे। देश की रक्षा में तैनात भाई बहन को विदा करने की हसरत पूरी नहीं कर सका। उसकी इस अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए जो साथी जवान थे वो पूरे जोश खरोश से शादी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने न सिर्फ एक भाई की तरह विवाह की सारी रस्में निभाई, बल्कि हर कदम साथ रहने का वचन भी दिया। मूल रूप से डलमऊ के मिरमिरानपुर गांव के निवासी शैलेंद्र प्रताप सिंह के परिवारजन शहर के मलिकमऊ रहते थे। तो ये जो खबर है लखनऊ की है ये, और 5 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शैलेंद्र शहीद हो गए थे। इस घटना से पहले उन्होंने घर वालों को फोन कर बताया था कि वे बहन की शादी करने के लिए आएंगे। तो जो शैलेंद्र था वो श्रीनगर में आतंकी जब हमला हुआ था वहां पर शहीद हो गया था, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहन की शादी करने के लिए घर आऊँगा। तो वो शहीद हो गया था और वो जो वचन था वो पूरा नहीं कर सका था। तो जो ये जवान है उसके साथ में रहते थे, उनको पता चला तो ये सीधे चले आए। तो बहन की शादी करने के लिए आएंगे। और जो सोमवार की शाम बहन ज्योति की शादी थी, पिता नरेंद्र बहादुर सिंह ने बेटी के विवाह की सारी तैयारियां की। शैलेंद्र की कमी परिवार के अखर बनी रही। शाम ढलते ही एकाएक विवाहिक समारोह का माहौल बदल गया। सीआरपीएफ के करीब 10 जवान वर्दी में शादी के मंडप में पहुँच गए। सबसे पहले वह माता पिता और फिर तीनों बहनों से मिले। पूरे समारोह में भाई की तरह डटे रहे और हर वो जिम्मेदारी निभाई जो एक भाई को निभानी होती है। ज्योति की विदाई होने के बाद ही वे सब वापस लौटे। शैलेंद्र के पिता है वो कहते हैं, मुझे एक बेटे की जगह सैकड़ों बेटे मिल गए हैं। तो नरेंद्र बहादुर सिंह, सीआरपीएफ के जवानों ने मन मोह लिया, मैंने एक बेटा खोया और मुझे सैकड़ों बेटे मिल गए। बेटी के विवाह में उनका आना और भाई की तरह जिम्मेदारियों को निभाना हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि मुझे सैकड़ों बेटे मिले हैं। और जो सीआरपीएफ का परिवार है, ज़िले के 300 से ज़्यादा जवान सीआरपीएफ में हैं। इन सभी ने व्हाट्सएप पर सीआरपीएफ परिवार नाम से ग्रुप बना रखा है। जब भी इस ग्रुप के जवान छुट्टी पर आते हैं तो आपस में मिलकर सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। ये पहला मौका है कि जब शहीद सैनिक की बहन की शादी हुई और ग्रुप के जिन जिन सैनिकों को छुट्टी मिली हुए दौड़ते चले आए। तो ऐसे जो ये बहादुर हैं, ऐसे वीर जवान हैं, इनको हम सल्यूट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए जय जवान और जय किसान।